मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार यानी कि आज के दिन 3 अप्रैल को खजुराहो सीट पर भाजपा की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट पर प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। दरअसल सीएम यादव का यह बयान उस वक्त आया जब इस सीट से समाजवादी पार्टी ने 2 दिनों में ही अपना लोकसभा प्रत्याशी बदल दिया। लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कचहरी चौराहा से कोतावली तक विशाल रोड शो किया और इसमें शामिल हुए और जनता का अभिवादन भी किया। इस दौरान क्षेत्रीय जनता ने विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि खजुराहो सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही प्रत्याशी तय किया कि कांग्रेस के लोग ने मैदान छोड़ दिया, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, कांग्रेस ने मजबूरन अपनी हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी के गले में ये सीट डाल दी। समाजवादी पार्टी को भी सूझ नहीं पड़ रहा कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। पहले कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था, फिर भाजपा के साथ सामने समाजवादी पार्टी का ढोल बजाया गया कि उनका प्रत्याशी आएगा। एक प्रत्याशी आया रातों रात, उसको भी बदल दिया, अब दूसरा आया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो मेहनत की है, वो जनता का जो प्यार मिल रहा है, वो प्यार बता रहा है कि निश्चित रूप से भाजपा यहाँ भारी बहुमत से जीतने वाली है। मेरी अपनी ओर से 29वीं सीट में मैं भाजपा के पक्ष में अपील कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे अच्छी अगर जीत कहीं होती दिखाई दे रही है तो मुझे खजुराहो की होगी। मेरी अपनी ओर से हमारे साथ मंत्री लखन पटेल जी और सभी मित्रों के साथ मैं बीडी शर्मा जी के इस नामांकन रैली में शामिल हुआ हूँ। मेरी अपनी ओर से विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष सबको बधाई। बहुत